ये 58 वाला सवाल है। एक लड़का अपने घर से एक निश्चित समय पर निश्चित चाल से एक लड़की को ऑफिस लेने जाता है। लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय 5 बजे है और एक दिन लड़की ने 3 बजे ऑफिस छोड़ दिया और 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से एक घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लड़के लड़के से मिलती है और अपने निश्चित समय पर ही घर चला आता है। वे घर 40 मिनट जल्दी पहुँच जाते हैं। लड़के की चाल ज्ञात करें। इधर पे क्या है, ये है घर, ये है ऑफिस। इधर पे क्या होता है, एक दिन लड़की ना 5 बजे 5 PM पे निकलती है, रोज ही निकलती है, लेकिन एक दिन क्या होता है कि लड़की 3 बजे निकलती है, निकल पड़ती है। 3 दिन निकल पड़ती है। फिर क्या होता है ना, लड़का जो है एक निश्चित ही टाइम से जाता है, क्योंकि लड़की पास जो उसका शायद पहले का शायद टाइम था उसी मोबाइल नहीं टाइम होगा से। उसके पास, इसलिए वो लड़की अपने यहाँ पे आती रहती, क्योंकि वो उसका मतलब निकला होगा कि जल्दी से घर आ जाएं। तो बस लड़का अपने निश्चित चाल से घर से निकला होगा और इधर से लड़की 3 बजे छुट्टी हो गई इसकी, और इधर से लड़की घर की ओर बढ़ने लगी। फिर बीच में क्या हुआ कि 40 मिनट बचा रहे हैं वो, तो लड़का जब इधर पे मिला तो इधर से इधर तक का और इधर से इधर तक का टाइम उन्होंने बचा लिया, और हमें सवाल में दिया 40 मिनट बचा रहा है। तो आपको सी बात है कि 20 मिनट यहाँ बचाया होगा, कि 20 मिनट निश्चित एक ही चाल से चल रहा है, इसलिए 20 मिनट यहाँ बचाया होगा और 20 मिनट यहाँ बचाया होगा, 20 मिनट आने में क्योंकि और 20 मिनट क्योंकि जाने में। आने और जाने का टाइम बच गया, इसलिए 20 20 मिनट बचा रहा है, और 20 मिनट बचा रहा है। तो लड़का जहाँ उसको 5 बजे PM पे ऑफिस पहुँचना था, लड़की उसको 4:40 पे यहीं मिल जाती है, इस स्थान में मिल जाती है लड़की उसको। तो लड़की लड़की जो है टोटल ये वाला डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा देती है, सौ क्योंकि मिनट वो 120 मिनट पहले ही ऑफिस से निकल आई, और जो उसको 20 मिनट लड़के को लग रहे थे तो लड़की को लग रहे होंगे यहाँ पे 100 मिनट, क्योंकि 4:40 को लड़की इधर पे मिली, 4:40 को लड़का इधर पे मिला, तो ये वाला डिस्टेंस लड़की ने कितने मिनट में चला होगा, क्योंकि 5 बजे इधर पे मिलता तो 3 बजे से 4:40 के बीच का ही डिफरेंस हो जाता है 100 मिनट। इसका मतलब है कि लड़की ने 100 मिनट में ये जो है दूरी चली होगी। तो इधर पे 100 मिनट है हमारे लिए टाइम आ गया, और हमें स्पीड सवाल में दी है 45, हमें चालीस सवाल में दी किलोमीटर है प्रति 40 घंटा किलोमीटर प्रति आवर स्पीड दी है। तो डिस्टेंस जो हो जाएगा तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, तो 100 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे, और इधर पे 40 किलोमीटर प्रति आवर, हम इसका काटा पीटी करेंगे, 2 2 4 2 3 6, तो 200/3 आ तीन जाएगा, ये आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, इधर से इधर तक का डिस्टेंस आ जाएगा 200/3 डिस्टेंस आ जाएगा। फिर इसके बाद हमें अब लड़के की क्या चाहिए है, हमें लड़के की चाल चाहिए है, तो लड़के की चाल चाहिए है तो ये है हमारा डिस्टेंस, और डिस्टेंस में हम भाग दे देंगे क्योंकि हमें स्पीड चाहिए है, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम। तो इधर पे 200/3 हमारा डिस्टेंस हो गया, और हमारा इसमें लड़के को लग रहा है यहाँ पे ये डिफरेंस कवर करने 20 मिनट, 20 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 1/3 आ जाएगा, काटेंगे तो 3 ऊपर जाएगा, तो 200/3 × 3, 3 से काटेंगे 200 किलोमीटर लड़के की आ जाएगी इधर पे चाल।